नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं मंडे के लिए मतलब 17 फरवरी 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो इसमें मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करूँगा और ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा और प्रोबेबिलिटी को दिखाऊँगा, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और इसके अलावा मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने बाई सेल लेवल कम स्किनर है, एक्सेल फाइल बाई सेल लेवल कम स्किनर और बाई सेल लेवल रहता है जिसमें बाई सेल लेवल रहता है, और निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी कमोडिटी का बाई सेल लेवल, 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, इनसाइड द बार, NR4 NR7 कैंडलस्टिक पैटर्न रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, वो उसका वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, उसका वीडियो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, जो जो कि आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारा स्ट्रैटेजिक टेक्निक्स है और भी मैंने बनाते जा रहूँगा। तो इस आपको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसमें आप लोग को बाई सेल लेवल का ये जो बाई सेल लेवल कम स्किनर है इसका कैसे स्क्रीन करना है, इसका इफेक्टिवनेस क्या है, कितना पैसे परफॉर्मेंस क्या रहा है, कि इसमें इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसमें क्या क्या है, बाई लेवल से लेवल 1 2 3 और इन कौन सा इंडिकेटर लगा हुआ है, कैसे आप लोग स्क्रीनिंग कर सकता है, उसका वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा और परफॉर्मेंस वाला वीडियो मिल जाएगा, ताकि आप लोग को समझ सके कि कौन सा लेवल पे कैसे एंट्री लेना है। तो मैंने चार्ट में दिखा लाया जो जो प्रॉफिट आया, जो उसमें मैंने बाई सेल लेवल मैच करने के बाद कैसे एंट्री लेना है, चार्ट पे मैंने दिखा है परफॉर्मेंस वाला वीडियोस, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और इसमें आप लोग मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं रेगुलर बेसिस पे शेयर करता हूँ, जो पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस फ्री ट्रायल के लिए आप लोग ज्वाइन हो सकता है, उसका लिंक दिया गया है। और ये सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का, इस फाइल का सैम्पल फाइल जो है उस डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, तो कि आप लोग अच्छी तरह से देख सकता है इसमें क्या क्या है और कैसे इसको आप लोग यूज़ कर सकता है, और बहुत सारा स्ट्रैटेजी टेक्निक्स है और भी बहुत सारा वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक है, जो कि आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हूँ, इधर देखिए इसमें जो पिवट पॉइंट है, इसमें जो पिवट पॉइंट है, तो इसमें ये पिवट पॉइंट का ये पहले तो ऊपर गया था, पहले जो ऊपर गया था उसके बाद ये नीचे आके मतलब पिवट थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है। इधर इधर ये जो पिवट पॉइंट है इसमें रुक गया 12,253, और नीचे वाला जो पिवट पॉइंट है, नीचे वाला जो पिवट पॉइंट है 12,105 का नीचे थोड़ा सा आया था ब्रेक करके, लेकिन क्लोज नहीं हो पाया, क्लोज ऊपर ही दिया है, तो इसे इधर ऊपर जाके ये क्लोज हुआ है। और इसका हम पे इसका जो पिवट अगला वाला जो पिवट था, इसका जो रेंज है इधर देखिए, इधर 12,102 और इधर 12,000 थोड़ा सा स्लाइडली डिफरेंस है, और इधर नीचे ये जो पिवट पॉइंट है 12,009 में इसका पिवट पॉइंट है। तो आप लोग इधर देख सकते हैं, जब आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने से आप लोग को पता चल जाएगा कि इस रेंज के में इसका सपोर्ट है, मतलब इस रेंज मतलब 12,250 से 12,102 तक एक रेंज है, ये इसमें थोड़ा सा सपोर्ट है। ये रेंज जब ब्रेक करेगा, इस रेंज को जब ब्रेक करेगा, मतलब इस रेंज को जब ब्रेक करेगा, तो ये इस रेंज तक मतलब इधर जो आप लोग दिखाई दे रहा है, इधर इस रेंज से इस रेंज, तो इस लोग इधर 12,281 तक आ सकता है। उसके बाद स्विंग हाई जो इधर आप लोग दिख रहा है, तो इसको ये पकड़ सकता है। तो इसके लिए इसका 12,280 उसके बाद 300 का लेवल, 297 या 300 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ये लेवल पकड़ आ सकता है। तो इसका देखिए सॉरी, इसका मैंने इसका थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, इधर नीचे आके इधर 38.2% का बहुत ही ऊपर है, RSI भी इधर अभी तक 50 का ऊपर है, तो इधर 12,009 में भी इसका सपोर्ट दे सकता है फिबोनाची लेवल। और इधर जो आप लोग ट्रेंड लाइन अब जब देखेंगे, तो ये दिखता है ट्रेंड लाइन का जो ब्रेक ऑलरेडी हो चुका है, इसका नीचे आने ट्रेंड लाइन में ये सपोर्ट दिया है, ये सपोर्ट लिया है, ये ट्रेंड लाइन पे जो है ये सपोर्ट लिया है। इधर भी
जो ट्रेंड लाइन है इधर भी ऊपर ही है, इसमें से कोई ऊपर ही रहने का प्रोबेबिलिटी मेरे को लगता है कि ऊपर रहने का प्रोबेबिलिटी रहा है। और निफ्टी फ्यूचर को मैंने देखूंगा तो देखिए, इधर जो वॉल्यूम प्रोफाइल का जो देखता है, इधर जो इधर पहले ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ये 12074 में, 1277 1274 में ये जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल वाला जो आप लोग देख सकते हैं, तो इसमें इसका सपोर्ट है 1280, आप लोग पकड़ सकते हैं। उसके बाद इस रेंज में थोड़ा सा आता है, इसमें फिर से एक वॉल्यूम रेंज है 12968, यार उसका जो ऊपर है ये है वॉल्यूम हाई और ये है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, आप लोग जानते हैं। तो इस और ये वाला जो रेंज है ये है वॉल्यूम हाई और ये वाला रेंज है ये वॉल्यूम लो, तो इसमें अभी पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे ये ऊपर ही रहता है। तो और इधर थोड़ा सा नीचे नीचे है RSI, तो लेकिन ऊपर ये 40 का इधर इधर 40 में सपोर्ट लेगा ऐसे ही लगता है। ये ज़्यादा नीचे आने का प्रोबेबिलिटी मेरे को लगता नहीं है, थोड़ा सा अप जाने का प्रोबेबिलिटी मेरे को दिखाई दे रहा है। 12300 का, 12250, 300 और 12100 इसका बीच में इस एक्सपायरी में ये मतलब ट्रेड करेगा ऐसा ही लगता है। अच्छा, और निफ्टी बैंक का मैंने देखना चाहता हूँ, निफ्टी बैंक को देखता हूँ। निफ्टी बैंक का जो दिखता है तो ये देखिए, ये 38.2% का फिबोनाची लेवल में ये सपोर्ट लिया है। इधर जो ट्रेंड लाइन था इधर ब्रेक होके ये थोड़ा सा नीचे है 30, लेकिन 38.2% में ये, और इधर जो जो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड लाइन है ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था, लेकिन इसका जो अभी आप लोग शॉर्ट टर्म में जो देखेंगे तो ये नीचे ट्रेड कर रहा है। इधर इधर आके ये अभी तक ये अपर ट्रेंड लाइन का ऊपर ही अभी क्लोज मतलब ट्रेंड लाइन में भी सपोर्ट लिया है 38.2% में, फिबोनाची लेवल का 38.2% लेवल सपोर्ट लिया है। उसके बाद 38.630 में ये आ सकता है, इसके बाद 30.403 में ये आ सकता है। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, इधर जो हाई गया था ये थोड़ा सा करेक्शन गया है, लेकिन इसे इधर अभी तक आके सपोर्ट लिया है इधर, इसके इसके बाद इसका 650 तक आ सकता है, इसका सपोर्ट ले सकता है, इसका नीचे फिलहाल जाएगा तो ऐसा लगता नहीं है। और इसका भी फ्यूचर में आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, देखिए इधर जो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल का नीचे थोड़ा सा नीचे आके ट्रेड किया, लेकिन इधर ये सपोर्ट है 12791 में, इसका सपोर्ट है, इतना तक आ सकता है। इसका नीचे जो ब्रेक करेगा तो वॉल्यूम हाई का नीचे चला आएगा, ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है इसका नीचे जो ट्रेड करेगा तो 12530 या 30300 तक ये आ सकता है। और इधर ऊपर जो इधर ऊपर इसका 12631600 में इसका रेजिस्टेंस है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये 12800 का रेंज में जा सकता है, सॉरी 21800 का रेंज में ये जा सकता है। ये दोनों का ऑप्शन चेन मैंने एनालिसिस करने का कोशिश करूँगा। तो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन जो दिखाता है तो इधर PCR रेशियो 0.69 है, मानो 0.75 से 50 थोड़ा सा नीचे ही शो करता है, नीचे आने का प्रोबेबिलिटी रहता है 12200 में, 12200 में इसका रेजिस्टेंस बना है कॉल साइड में, सबसे ज़्यादा विंडो ओपन इंटरेस्ट इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, प्राइस गिर चुका है और IV भी गिर चुका है, इधर उसके साथ PCR भी गिर चुका है। तो कॉल साइड में ऐसा हुआ तो मार्केट नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी लगता है। 12000 में इसका सपोर्ट है, सपोर्ट बना गुड साइड में, सबसे ज़्यादा इधर लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा है और लेकिन IV थोड़ा सा कम है, PCR से ज़्यादा है लेकिन IV गिर चुका है। तो ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि पुट साइड में जो लॉन्ग बिल्डअप हुआ है इसमें ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाता है, कर पाएगा। तो लेकिन ऑप्शन चेंज जो फिलहाल जो दिखाता है तो लगता है कि ये थोड़ा सा नीचे ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन अप जाने का प्रोबेबिलिटी भी है। और
क्योंकि इधर कॉल साइड में